हेलो फ्रेंड्स, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स हमारा आज का सब्जेक्ट है, यानी आज का टॉपिक है अल्टरनेटिव फ्यूल्स, जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे। अब तो हम अल्टरनेटिव फ्यूल्स हमारा नया चैप्टर जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात ये है कि अभी जो हमारे इंजन है तो क्या है, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, ठीक है। लेकिन ये जो फ्यूल है, जो क्रूड ऑयल, जो आने वाले 150 से 200 साल के अंदर क्या हो जाने वाले, फिर खत्म हो जाने वाले, दैट मीन्स इट्स अ कन्वेंशनल फ्यूल। ओके, कन्वेंशनल दैट मीन्स लिमिटेड फ्यूल है कि जो आने वाले टाइम में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और एक बात है कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस तरीके से व्हीकल रिक्वायरमेंट और व्हीकल ट्रैफिक भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से यूजिंग ऑफ पेट्रोल एंड डीजल फ्यूल वो भी दिन प्रतिदिन क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। जिसकी बदौलत हम ऐसा कह सकते हैं कि आने वाले 150 से 200 साल के बाद हमारे पास हर स्टेट आए में कोई भी क्रूड ऑयल के लिए, क्रूड ऑयल में देखें तो पेट्रोल और डीजल बस हमारे लिए बचेगा। तो अब क्वेश्चन ये हो रहा है कि पेट्रोल और डीजल अगर खत्म हो गए तो क्या ऑटोमोबाइल्स या खत्म हो जाएगा, या फिर उसके ऊपर डिपेंडेबल जितने भी लोग हैं वो क्या किस तरीके से जाएंगे कहीं एक जगह से दूसरी जगह। तो पेट्रोल और डीजल ऑटोमोबाइल का तो मतलब उससे पहले की नई चीज है, वो जो फ्यूल है उसकी जगह हम कोई ऐसा अल्टरनेटिव फ्यूल डिराइव है, यानी कि जिस तरीके से 1876 के दौरान जो क्रूड ऑयल, डीजल और लोगों ने जो भी, ठीक है, डीजल इंजन डिराइव किए, ऑटो ने पेट्रोल इंजन डिराइव किए, तो उसके बाद यानी कि जब 15th सेंचुरी के बाद जो भी अंडर क्रूड ऑयल को निकालने की जो सबसे पहले थर्मल प्रोसेस बताई गई थी, उसके बाद के हम देखा जाए तो 400 से 500 साल के बाद, यानी कि 300 साल हो चुके हैं और बाकी के 150 साल उतना ही हमारे पास अब क्रूड ऑयल बचा है। तो अब हम देखें तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल से ऑटोमोबाइल को अगर टाइम रखना है, अगर ये पूरी वर्ल्ड जो अब क्या है कि कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना है, ये आज की रिक्वायरमेंट हो चुकी है। तो हमारे लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स की, पेट्रोल और डीजल की जगह अब हमको कुछ ऐसा फ्यूल इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा और ऐसा फ्यूल अब वर्ल्ड को देना पड़ेगा कि जिसकी बदौलत हम हमारे ऑटोमोबाइल को लाइव रख सकते हैं और उसका जो पावर आउटपुट है वही उसके पीक लेवल तक पहुंच जाए और लेस टाइम एंड मैक्सिमम स्पीड, दैट मीन्स मैक्सिमम ट्रैवल, ये आज का हमारा सिनारियो है और आज के हमारे रिक्वायरमेंट है कि कम से कम टाइम के अंदर हम मैक्सिमम ट्रैवल करें। तो अब किस तरीके से है ये तो उसके बारे में समझते हैं। तो आपको ऑल्टरनेटिव फ्यूल यानी क्या, क्योंकि गुजराती में या फिर हिंदी में बोले तो वैकल्पिक बर्तन, बर्तन यानी ईंधन, ठीक है। तो ये जो भी है ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, तो ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स के अंदर हम सबसे पहले एक चीज समझते हैं, जिस तरीके से आपको एन सीरीज लास्ट टाइम में मैंने आपको मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल उसके बारे में बताया था, मिथाइल, इथाइल, प्रोपेन, ब्यूटेन उसके बारे में बताया था। तो आज मैं यहाँ पे अल्कोहल सीरीज के बारे में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो ऑल्टरनेटिव फ्यूल है इसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसका नाम है मिथेनॉल। मिथेनॉल जिसका फुल नेम है मिथाइल अल्कोहल, यहाँ पे जो भी मिथाइल अल्कोहल, यानी कि ये हम यहाँ पे एक फ्यूल की तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। तो अब ये जो मिथाइल अल्कोहल है उसके बारे में स्टडी करते हैं, मिथाइल अल्कोहल केमिकल फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले तो मिथाइल अल्कोहल का केमिकल फॉर्मेशन CH3OH, ये किस तरीके से होता है, CH2N+1OH, ये उसका फॉर्मेशन है, कार्बन फॉर्मेशन, कार्बन हाइड्रोजन फॉर्मेशन, तो उसका किस तरीके से मॉडलिंग हो रहा है। तो सबसे पहले मिथेनॉल यानी मिथेन है, इसलिए नंबर ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल्स आर देन वन, उसकी बदौलत यहाँ पे C1H2, एन की जगह वन आएगा, फिर वन आएगा OH, दैट मीन्स यहाँ पर देखें तो CH2+1, दैट मीन्स 3OH, CH3OH। अब जिस तरीके से आपको बताओ तो मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल, मेंडेलिक का जो पीरियोडिक टेबल है उसके हिसाब से क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम,
इस तरीके से ये पूरी सीक्वेंस है केमिस्ट्री के हिसाब से। तो सबसे पहले क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, हीलियम, बेरिलियम, बोरॉन। तो यहाँ पे हम उसके सीक्वेंस लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक चीज आपने पढ़ी होगी स्कूल टाइम पे कि कोई भी परमाणु होते हैं उसकी जो श्रृंखलाएं होती है उसके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स उसमें 2n स्क्वायर के हिसाब से इलेक्ट्रॉन सेट होते हैं। जिस तरीके से पहली ऑर्बिट है तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन। थर्ड ऑर्बिट में कितने थे, 18 इलेक्ट्रॉन। हाउ इट्स पॉसिबल टू दैट, क्योंकि हम यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं, तो n इज इक्वल टू अगर 1 ले तो 2n इज इक्वल टू 1, तो 1 1 2 2 2 2 1 2, यानी ये 2 हो गया। अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर करें सेकंड के लिए 2 2 4, 4 2 8, अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 9 एंड 9 2 18, यानी कि ये उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि कार्बन मॉलिक्यूल जो है तो उसके अंदर कार्बन का क्या है, तो 6 दैट मीन्स 2 प्लस 4, यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट जो है उसके अंदर तो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, लेकिन दूसरी जो ऑर्बिट है उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आए, हाउ मेनी आर देयर, देयर आर ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स, बट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर रिमेनिंग दैट, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन। यानी कि हमको सेकंड ऑर्बिट अगर कंप्लीट करनी है कार्बन की तो मुझे और 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, बिकॉज यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे और 4 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। ठीक है, अब एक चीज है कि इससे ऊपर वाले जितने भी होते हैं वो सब डोनर होते हैं, जबकि इसके नीचे वाले जो है वो सब क्या है, तो एक्सेप्टर। ठीक है, ये इक्वालिटी है, वो किस तरीके से उसको बांधना बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे डोनर ही एक्सेप्टर है। अब ये सब क्या है, बहुत स्कूल टाइम पे पढ़े हुए हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको जो चीज पे बात करनी है कि 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ना ये किसी को डोनेट करता है और ना किसी से रिसीव करता है, ये सिर्फ क्या करता है, तो पार्टनरशिप करता है। ये क्या करता है, पार्टनरशिप, जिसको बोलते हैं कोवेलेंट, जिसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट, ठीक है, सहसंयोजक बोलते हैं जिसको, सहसंयोजक। इसके अंदर क्या होता है कि कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो अपने साथ कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर देता है, प्रोसेस कर देता है, कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन, चाहे वो हाइड्रोजन हो, चाहे वो खुद कार्बन हो, चाहे वो ऑक्सीजन हो, कोई भी हो, लेकिन कार्बन मॉलिक्यूल कोई ना कोई 4 के साथ प्रोसेस करता है, एज लाइक वो यहां पे समझे तो मीथेन। तो मीथेन का केमिकल फॉर्मेशन क्या है, आपको बताया था CH4, यानी यहां पर कार्बन को साथ बीच में रखा और उसको कितने और इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब हाइड्रोजन के कितना है, 1 1, तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन इसके साथ जॉइंट हुआ, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि ये मीथेन का स्ट्रक्चर इस तरीके से बना CH4। ठीक है, अब इसी तरह से हमारा जो CH4H किस तरीके से बनता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे हमको ऑक्सीजन के बारे में समझना है, तो ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, तो 2 प्लस 6, दैट मीन्स इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, देयर आर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट देयर स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पे सिर्फ उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उसका मतलब है कि ऑक्सीजन जो है वो सिर्फ कोई 2 पार्टिकल्स या 2 इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी मॉलिक्यूल है उसके साथ जॉइंट होगा। तो जिस तरीके से यहाँ पे H2O की बात करें, तो H2O की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो किसके साथ जुड़ गया, H2O, दैट मीन्स हाइड्रोजन पे 1 1, ये 1 1 मिलके इसको डोनेट कर दिया, ठीक है, यानी इसके साथ बॉन्डिंग किया, और ये ऑक्सीजन जो था वो 6 था और इसके साथ 2 मिल गया, ये 1 एंड 1, दैट मीन्स H2O। इस तरीके से ये जो है वो पानी का फॉर्मेशन है, इस तरीके से बना, यानी अब आपको समझ में आया होगा कि कार्बन मॉलिक्यूल्स को कितने, क्योंकि कार्बन मॉलिक्यूल्स 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, ऑक्सीजन क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। यहां तक आपको समझ में आया होगा, तो इसके केमिकल फॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मिथेनॉल किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर डेवलप होता है, तो मिथेनॉल एक स्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हो रहा है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात यह है कि जो मिथेनॉल का स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसके अंदर कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो सबसे पहले हमारे पास जो कार्बन है वो कार्बन मॉलिक्यूल
1, 2 and 3. तो यहाँ पे हमने रखा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, लेकिन हमारा एक रूल है कि कार्बन को कितने मॉलिक्यूल सेम है, देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट टू दैट ऑर्बिट. ओके, तो यहाँ पे और एक लाइन बनानी पड़ेगी, लेकिन यहाँ CH3 उसके बाद डायरेक्टली हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ क्या है जिसमें ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को लगा दिया. लेकिन अब ये कार्बन का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया चारों चार, लेकिन ऑक्सीजन के स्ट्रक्चर को क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन. तो ऑक्सीजन के पास एक ऑलरेडी कार्बन है जो इसके पार्टनर से थी, कार्बन कह सकता है मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कह सकता है मेरे पास कार्बन है. तो उसी तरह से यहाँ पे जो ऑक्सीजन है उसको और किसके साथ क्रोसिस होगी, हाइड्रोजन. उसकी किसके साथ क्रोसिस होगी, हाइड्रोजन के साथ. तो ये उसका फॉर्मेशन हुआ CH3OH, ये उसका फॉर्मेशन हुआ, क्या हुआ CH3OH. अब आप ऐसा सोचो कि ऐसा क्यों नहीं लिखा हुआ है CH4O, ठीक है, बिकॉज ये हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोक्साइड दैट मींस इट्स एल्केन, ऑलिक कंटेंट है, यानी ये बेसिक कंटेंट है जिसकी वजह से हमने इसके पीछे ऑल कंटेंट लगाया हुआ है. जिस तरीके से मिथेनॉल इथेनॉल प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल टाइटेनॉल, तो ये जो भी है, तो उसके अंदर हमारा क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हमने देखा, तो यहाँ पे सी कार्बन है, उसके साथ 3 हाइड्रोजन कंबाइन हुए, 3 कार्बन 3 हाइड्रोजन कंबाइन हुए, उसके बाद उसके साथ क्या कंबाइन हुआ, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद उसके साथ क्या कंबाइन हुआ, हाइड्रोजन. तो यहाँ पे जो हमारा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, यहाँ पे आप देख सकते हो. अब जिस तरीके से आपको स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ कि नहीं, यानी ये सैचुरेटेड है कि नहीं वो समझ रहे, तो कैसे समझ सकते, तो ये जो है हमारा सैचुरेटेड है, किस तरीके से सैचुरेटेड उसके बारे में समझ सकते. तो कार्बन जो है उसको कितने चाहिए, क्योंकि कार्बन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या था, 6. कार्बन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, 6. आज के लेक्चर जो भी है उसके अंदर हम पहले मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसके बॉन्डिंग के बारे में समझेंगे, उसके बाद हम उसके केमिकल फॉर्मेशन और उसका किस तरीके से स्ट्रक्चर और उसका एंजिन के अंदर हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले हम यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन के हिसाब से उसका मॉलिक्यूलर क्या है, 6 नंबर है. तो 6 का क्या हो, पहली ऑर्बिट में 2 और दूसरी ऑर्बिट में 4. अब दूसरी ऑर्बिट में 4 है तो यहाँ उसको 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन माइनस पड़ रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन. अब जैसे इसके 4 इलेक्ट्रॉन माइनस पड़ रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि कार्बन जो है उसको कोई भी 4 कंटेंट, कोई भी 4 इलेक्ट्रॉन या तो कोई भी कंटेंट के साथ उसको जुड़ना पड़ेगा. तो यहाँ पे उसने पार्टनरशिप कर ली, ठीक है. अब हाइड्रोजन जो है, अब इसने पार्टनरशिप की वैसे कैसे पता चले, बिकॉज यहाँ हमारे पास जो हाइड्रोजन उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या है, जो 1 है, 1 उसका मतलब क्या, इसको भी ऑर्बिट कंप्लीट करनी है तो 1 इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो ये भी क्या करेगा पार्टनरशिप. तो ये हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको 1 इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है, तो ये कार्बन के साथ जुड़ गया, इसका 1 हो गया, और कार्बन के 1 मिल गया, इसको भी 1 मिल गया, इसको भी 1 मिल गया, इसको भी 1 मिल गया, तो ये तीनों हाइड्रोजन की बात खत्म हो गई है. कार्बन को कितने मिल गए, 1, 2, 3 हाइड्रोजन यानी 3 मॉलिक्यूल्स मिल गए, लेकिन अभी ऑक्सीजन 1 जुड़ गया, ठीक है, यानी कार्बन की कंटेंट खत्म हो गए, लेकिन ऑक्सीजन का क्या है, ऑक्सीजन का 8 है, ऑक्सीजन का 8 है, दैट मींस 2+6, 2+6 का मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, उसका 2 इलेक्ट्रॉन माइनस होता है. तो यहाँ पे सबसे पहले तो एक इसको मॉलिक्यूल मिल गया, लेकिन दूसरा मॉलिक्यूल क्या है, क्योंकि और एक हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन माइनस था, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन माइनस था, यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन माइनस था, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस था, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस था, यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन माइनस था. तो यहाँ क्या हुआ कि ये जो 1, 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन माइनस और 1 इलेक्ट्रॉन माइनस, ये सारे इसके साथ हो गया, इसका 1, 2, 3 एंड 4, यानी ये कंबाइन हो गया, और इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन था उसके साथ प्रोसेस कर चुका है हाइड्रोजन के साथ. यानी कि इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर कौन हो गया है, CH3OH, इट्स सैचुरेटेड. ये सैचुरेटेड है यानी कि यहाँ पे 1 भी इलेक्ट्रॉन की कमी बढ़ रही नहीं है. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये स्ट्रक्चर बन रहा है CH3OH, ठीक है. अगर हमको इसको और एक फॉर्मेशन बताना तो उसको कैसे बता सकते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है. वो एक सिंपल फॉर्मेशन है, उससे कुछ नहीं है कि यहाँ पे हम ऐसे कार्बन लिखते हैं और कोई भी फॉर्मेशन में इस तरीके से, और यहाँ पे हम OH लिखते हैं,
तो ये जो फॉर्मेशन है इसका मतलब ये होता है, इसको पिटोन फॉर्मेशन के तरीके से बोलते हैं, कि यहाँ का जो तीन है ठीक है वो क्या है, तो ये इसके हाइड्रोजन जुड़े हुए और यहाँ का हाइड्रोक्साइड, यानी कि ये जो फॉर्मेशन वो बताता है कि और श्रेणी में आता है यानी और प्रत्यय में बनता है। उसका मतलब यहाँ पे इस तरीके से होता है कि ये जो और है उसका मतलब अल्कोहल ठीक है, तो ये जो भी है मिथेनॉल है वो क्या है अल्कोहल है, उस तरीके से इथेनॉल भी क्या है अल्कोहल है। यानी अब आपको इसके केमिकल फॉर्मेशन के बारे में समझ में आ गया है और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे भी मैंने बताया CH2 है, ये उसका स्ट्रक्चर है कंस्ट्रक्शनल स्ट्रक्चर और ये उसका सिंबॉलिक स्ट्रक्चर है। अब हम इसके प्रोडक्शन के बारे में समझते हैं कि मिथेनॉल को किस तरीके से प्रोड्यूस किया जाता है। मिथेनॉल किस में से पाया जाता है, तो मिथेनॉल सिंपल सी बात है कि मिथेनॉल जो है वो एक एनएरोबिक बैक्टीरिया, यानी कि एक तरीके से जो बायोटिक कंपोजिशन होता है, यानी कि जिस तरीके से शुगर कैन यानी गन्ना, गन्ने में से हमको मिथेनॉल पाया जाता है, तो ये जो गन्ना है यानी कि एक तरीके से देखें तो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे ग्लूकोज और सुक्रोज जिसको बोलते हैं, तो उस तरीके से हमने यहाँ पे C12H22O11 यानी कि शुगर कैन है ठीक है। यहाँ पे क्या है शुगर कैन गन्ना, जब इसको हम पानी में डाल के रखते हैं यानी कि H2O और इसको हमने सड़ने देते हैं, क्या करने देते हैं सड़ने देते हैं, उसको एक प्रोसेस होती है इन प्रेजेंस ऑफ एनएरोबिक बैक्टीरिया। एनएरोबिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में इन इसका क्या करेगा कंपोजिशन करेगा डीकंपोजिशन, और डीकंपोजिशन की वजह से यहां पे पानी मिलने की वजह से दो फॉर्मेशन इस तरीके से बनते हैं C6H12O6 + C6H12O6, दोनों फॉर्मेशन आपको सामने एक ही जैसे दिखेंगे ठीक है। तो दोनों फॉर्मेशन में फर्क क्या है यहाँ पे, तो दोनों फॉर्मेशन में फर्क क्या है वो सबसे पहले समझ लेते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ तो उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास याद कि कार्बन मॉलिक्यूल्स कितने हैं 12 ठीक है, यहाँ कार्बन मॉलिक्यूल्स है नहीं, आपको इसको बनाना कैसे तो वो समझाता हूँ। एच कितना है हमारे पास 22, हमारे पास यहाँ एच कितना है 2, ओ कितना है 11, यहाँ कितना है कुछ नहीं है 1, तो C12H24O12 ठीक है। अब हमारा एक स्ट्रक्चर हमको बताया गया है C6H12O6, तो इसमें से माइनस करने पर क्या मिलेगा C6H12O6, तो इस तरीके से हमको दूसरा स्ट्रक्चर भी क्या मिलता है C6H12O6। अब यहाँ पे ये जो है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज और ये जो है जिसको हम कहते हैं फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज यानी क्या, ग्लूकोज आपको पता है मेडिसिन पर्पस में यूज होता है ठीक है, और फ्रक्टोज जो है इसको मोलासेस कहा जाता है। अब ये जो है इसमें से आपको क्या मिलता है मिथेनॉल मिलता है, यानी क्या है हमारे पास C6H12O6। अब इसमें से हम क्या गेन करते हैं मिथेनॉल, इसमें से हम क्या गेन करते हैं मिथेनॉल। अब यहां पर हम एक चीज समझ सकते हैं जिस तरीके से ठीक है C6H12O6 है ठीक है, तो यहां पर हमको जिस तरीके से मिलता है CHCOH ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे ये स्ट्रक्चर बन चुका है, अब इसमें से मिथेनॉल किस तरीके से मिलता है इसके बारे में समझते हैं, यानी कि मिथेनॉल हमको शुगर कैन से मिलता है, लेकिन अब यहाँ पे मिथेनॉल प्रोडक्शन के लिए जो प्रोसेस है जिसको हम समझते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए क्या है, क्योंकि CO कार्बन मोनोऑक्साइड
जो हमारे एटमोस्फेयर के लिए बहुत हैजार्डेबल है, और वो किसके साथ जुड़ेगा? 2H2। वो किसके साथ जुड़ेगा? 2H2 यानी हाइड्रोजन। तो क्या बन जाएगा? CH3OH। ये कैसे बना देखते हैं, सी है, ओ है, हाइड्रोजन कितने हैं? 2H2 यानी 2+4 यानी हाइड्रोजन कितने हमारे पास? 4। अब हमको ये पूरा फॉर्मेशन हो गया। अब हमको पता है कि कार्बन को क्या चाहिए, ऑक्सीजन को क्या चाहिए। क्योंकि कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, इसको 2 इलेक्ट्रॉन माइनस, और ये सबको 4 इलेक्ट्रॉन माइनस मल्टीप्लाई बाय 4, क्योंकि यहाँ कितने 4 है। ठीक है, तो अगर मैं ऐसा करूंगा कि कार्बन हाइड्रोजन, तो ये तो स्ट्रक्चर कम्प्लीट हो गया, CH4 में कम्प्लीट हो गया, तो वो कहाँ गया? तो इसलिए हमने इसको क्या किया, स्किप आउट करके इस तरीके से लगा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, कार्बन भी बैलेंस हो गया और हाइड्रोजन। अगर मैं इसी स्ट्रक्चर को इस तरीके से बना देता और यहां पे ओ रखता, तो ये जो जगह है ये क्या पड़ रही है? खाली पड़ रही है। यानी ये क्या बन जाएगा? अनसैचुरेटेड बन जाएगा, क्योंकि यहां स्ट्रक्चर, हाँ इतना स्ट्रक्चर कंप्लीट है, मिथेन है, लेकिन जैसे उसके साथ ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, तो वो यहां पे उसका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। ऐसा नहीं बनेगा क्योंकि ये अनसैचुरेटेड हो जाएगा, तो जैसे उसमें ऑक्सीजन ऐड होता है ये क्या बन जाता है? मिथेनॉल बन जाता है। यानी आपको याद रखना है कि मिथेन के अंदर जब उसमें ऑक्सीजन मिलता है वो क्या बन जाता है? मिथेनॉल बन जाता है। अब यहाँ पे हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? CO2H2 को हमारे पास इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या करते हैं, मिथेनॉल जो होता है उसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर देते हैं, और हाइड्रोजन को ऐड करने के बाद हमको क्या मिलता है? CH3OH। क्या मिलता है? CH3OH। यानी यहां तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज और समझ लें, अभी इसकी प्रॉपर्टीज और उसके बारे में अभी तक हमने नहीं पढ़ा, लेकिन एक चीज है कि मिथेनॉल हमारा बच्चों में यूज किस तरीके से होता है उसके बारे में सिंपल बात बताता हूँ अभी। उसके बाद हमारा इसी टॉपिक के ऊपर और एक लेक्चर है। तो सबसे पहले तो मिथेनॉल हमारे ऑटोमोबाइल में किस तरीके से यूज होता है, तो मिथेनॉल हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर एडिटिव्स के तरीके से यूज होता है। अब टोटली मिथेनॉल का यूज नहीं कर सकते डायरेक्टली ऑटोमोबाइल में, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये चीज समझना है कि ये जो एडिटिव्स के पंप है, यानी 95% हमारे पास जो फ्यूल है हमारा रेगुलर फ्यूल, तो जिसके अंदर हम 5% का मिथेनॉल डाल देंगे। अब मिथेनॉल जो है वो क्लीनिंग एजेंट भी है, तो हमारे फ्यूल टैंक में उसको क्लीन करने का, फ्यूल टैंक की गैलरीज और उसको क्लीन करने का भी काम करता रहता है। अब सबसे मेन चीज ये है कि मिथेनॉल जो है आपको पता है कि वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज होता है, तो ये भी एक साइंटिफिक रीजन है और ऑटोमोटिव रीजन है कि इसको प्योर मिथेनॉल कभी यूज नहीं कर सकते हमारे ऑटोमोबाइल में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज ये है कि अगर ये प्योर मिथेनॉल जो मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बोला तो उसकी बॉटल बताई जो आपको, वो जो प्योर मिथेनॉल जो है CH3OH, जिसके ऊपर मैं आपको फ्लेम प्रोपोगेशन का प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ठीक है, वो बहुत 2-3 दिन में आपको एक साथ रखने वाला हूँ। अब ये जो मिथेनॉल 2H CH3OH जो है, अगर ये आपकी बॉडी पे कहीं पे गिर जाए, प्योर मिथेनॉल 99.9% प्योरिटी, तो क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली बात है कि अगर ये मिथेनॉल गलती से भी आपकी आंखों में गिर जाए, तो आपकी आंखों में गिर जाए तो ये कंप्लीट परमानेंट क्या आ सकती है आपको, परमानेंटली ब्लाइंडनेस आ सकती है, परमानेंट ब्लाइंडनेस। इसलिए इसको जब यूज करते हैं तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है, अगर गलती से भी माइनर भी आपके हाथ पे गई तो मिथेनॉल पड़ा हुआ और आपने इस तरीके से आंखों पे घुमा दिया उसको, तो वो जो है माइनर परसेंटेज होगा तो वो आपको क्या थोड़ा सा धुंधलापन देखने का शुरू हो जाएगा और आपकी रेटिना को नुकसान करेगा। और अगर आंखों में 5 ml से 10 ml आपकी आंख पे कहीं पे गिर गया गलती से, वो परमानेंट ब्लाइंडनेस ला सकता है, और वो भी डायरेक्ट आपके ऑप्टिक नर्व पे अटैक कर सकता है, और ऑप्टिक नर्व पे अटैक करने की वजह से आपको, आप कैसा भी ऑपरेशन कराओ लेकिन आपको कभी दिखेगा नहीं, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑप्टिक नर्व जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के, नर्व सिस्टम्स जिसको चेतातंत्र कहा जाता है, उस पर इफेक्ट करता है। यानी आप देखोगे सही लेकिन आपके ब्रेन तक उसके मैसेज नहीं पहुंचेगी, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज, ये ब्लाइंडनेस तक तो हमको समझ में आ गया, लेकिन और एक टॉपिक है जो है, जो मिथेनॉल ज्यादातर लोग ड्रिंक में यूज करते हैं, तो जो लोग
इथेनॉल ड्रिंक में यूज करते हैं, उन लोगों को क्या होता है, तो उसके बारे में सिर्फ हम कॉमन बात करते हैं। तो जो इथेनॉल ड्रिंक करते हैं उन लोगों के अंदर बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, उन लोगों की बॉडी में क्या बढ़ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। क्योंकि जब ये मिथेनॉल CH3OH जब आपकी बॉडी में जाता है तब वो बॉडी में रहे हुए ऑक्सीजन के साथ वो प्रोसेस करता है, और बॉडी के ऑक्सीजन के साथ वो प्रोसेस करने के बाद वो CO2 यानी कि यहां पे वो कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन में क्या डेवलप करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब साइंटिफिक रीजन बायोलॉजिकल हम देखना चाहें तो आपका जो ब्रेन है, ठीक है, हमारे शरीर में सबसे ज्यादा ब्लड किसको पहुंचाने की जरूरत होती है, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन, क्योंकि अगर ब्रेन सही से काम करेगा तो ही बॉडी के जितने भी पार्ट्स है उसको वो क्या कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा, और दूसरी बात है वो जितने भी नर्व सिस्टम है उस पर भी क्या कर पाएगा, कंट्रोल कर पाएगा। लेकिन जब उसको क्या चाहिए, तो क्या ऑक्सीजन चाहिए, बिकॉज ऑक्सीजन गिव्स एनर्जी, ठीक है, और ऑक्सीजन किस तरीके से वो ब्लड ब्लड के साथ चला जाता है, ब्लड उसको कैरी करके जाता है ऑक्सीजन को। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में ब्रेन को कितना चाहिए कि 60% ऑफ ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को चाहिए, जबकि ये जो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, लेकिन हम जैसे ही ये मिथेनॉल ड्रिंक करते हैं वो ऑक्सीजन इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू अ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गो थ्रू डायरेक्टली इनटू योर ह्यूमन ब्रेन, आपके ह्यूमन ब्रेन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाएगा, और कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच जाने की वजह से इंसान जो होता है वो क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है, ठीक है, इंसान क्या हो जाता है, कॉन्शियस हो जाता है, बेहोश हो जाता है। और अगर ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि अगर कोई इंसान है जो मिथेनॉल और पी रहा है डेली 100 कर रहा है या फिर और पी रहा है, तो उसके डेथ होने के या तो कोमा में रहने के भी चांसेस है उसके, या तो उसकी डेथ होने के भी चांसेस है, यानी मिथेनॉल इज अ टू मच डेंजरस फॉर ह्यूमन लाइफ, ठीक है। लेकिन उसको हम ट्रीट करके या तो फिर हम उसको एडिटिव्स के फॉर्म में हम ऑटोमोबाइल में यूज कर सकते हैं, हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। इसके ये भी एक रीजन है कि मिथेनॉल एक ड्रिंकिंग पर्पस में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि पहला क्या है, ये ब्लाइंडनेस यानी ऑप्टिक नोव्स कि वो डायरेक्टली ऑप्टिक नोव पे इफेक्ट करता है, और दूसरा क्या है कि जब कोई मिथेनॉल डायरेक्टली ड्रिंक करता है तो उसकी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाता है, और वो डायरेक्टली जो ब्रेन में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है तो उसकी बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं वो ब्रेन को जो कंट्रोल कर रहा है वो कंट्रोलिंग क्या हो जाता है, छूट जाता है, जिसकी वजह से यहाँ क्या हो रहा है कि हमको मिथेनॉल कभी भी नहीं करना चाहिए। मिथेनॉल और ऑटोमोबाइल किस तरीके से लेते हैं, क्योंकि एडिटिव्स के फॉर्म में रहता है। हम यहाँ पे जो प्रैक्टिकल करके मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसमें भी यहाँ पे प्योर मिथेनॉल यूज करने वाला हूँ, तो उसके लिए हमको प्योर सेफ्टी और हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड सिलेंडर वो सब भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसका जो फ्लैम प्रोपेगेशन जो होता है वो बहुत ट्रिमेंडस होता है एज लाइक अ पेट्रोल। तो इसलिए फुल सेफ्टी के साथ हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसलिए तो आप देखना वो प्रैक्टिकल 2 दिन के बाद में रखने वाला हूँ, 1-2 दिन के अंदर, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है, मिथेनॉल के बारे में। अब नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा मेरा उसके अंदर मैं आपको मिथेनॉल की प्रॉपर्टीज के बारे में बताऊंगा कि उसकी डेंसिटी क्या होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है यानी वो फ्रोजन हो जाता है कि नहीं हो जाता, फिर उसका वेपर प्रेशर कितना है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, उसका अपीयरेंस दिखता कैसा है। तो मिथेनॉल जो होता है वो पानी की तरह कलरलेस, मिथेनॉल का कोई कलर नहीं होता। हाँ आप बोलो कि यहाँ पे तो ये कलर होता है वो कलर, वो सब फ्लेवर साइड के होते हैं, लेकिन वो इट्स नॉट अ रियल, ओके, एंड देन वो फ्लेमेबल है तो इट्स अ ट्रेमेंडस फ्लेमेबल, क्योंकि वो 10 से 12 डिग्री वो तो उसका फ्लेस पॉइंट है, यानी 10 से 12 डिग्री में अगर आप उसको माचिस से भी जला दोगे तो वो ट्रेमेंडसली जल उठेगा, और उसकी जो फ्लेम है वो वाइट ब्लू फ्लेम होती है, कभी कभी वो फ्लेम आपको दिखेगी भी नहीं। जिस तरीके से आपको बताओ तो कोरोना का टाइम चल रहा है तो उसमें सैनिटाइजर यूज कर रहे हैं, तो सैनिटाइजर के अंदर इथेनॉल यूज कर रहे हैं, मिथेनॉल के तरीके से इथेनॉल होता है, इथेनॉल के फ्लेम भी क्या होती है, वाइट ब्लू फ्लेम होती है, तो वाइट ब्लू फ्लेम की आपने जला दिया लेकिन पहले दिखता नहीं कि ये जल रहा है, जब हम इसके ऊपर हाथ लगाते हैं ये लगाते हैं फिर हमको पता चलता है ओ ये आग लग रही है। क्यों ऐसा, बिकॉज हमारा जो एटमोस्फेयर है वो भी ऑर्डरलेस है कलरलेस है, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या है
कि ये जो हमारी फ्लेम है वो सबसे पहले तो वाइट फ्लेम है, इसलिए हमारे एटमोसफेयर में वो दिख नहीं पाती, और जो ब्लू फ्लेम होती है वो बहुत अराइज पॉइंट होती है जिसकी वजह से हम उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ तक आपको मिनरल के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे और ऑटोमोबाइल में किस तरीके से हम मिनरल को यूज कर सकते इसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।